नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत चीन के बीच में तनाव चल रहा है, उसके बाद में भारत की तरफ से तमाम कार्रवाइयां की गई हैं, उसी कार्रवाई के तहत भारत ने चीन के जो कोशिशें थी भारतीय सीमा में प्रवेश करने की, उनको नाकाम किया। और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा चुसूल के आसपास का पैगोंगसो झील के दक्षिण का इलाका था, उस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अब भारतीय रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन की किसी भी कोशिश का भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से जवाब दे सकती है। हालांकि हम शांति और सौहार्द चाहते हैं, लेकिन अगर कोशिशें चीन की तरफ से जैसी हो रही हैं वैसी चलती रही, तो फिर भारत के पास जो विकल्प है वो सैनिक कार्रवाई का है। साथ में जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा कि अगर उत्तर में जो कुछ चल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश अगर पाकिस्तान करेगा, तो पाकिस्तान को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। सीधे तौर पर आज भारत के रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट तौर पर चीन और पाकिस्तान को खुलेआम बता दिया है कि भारतीय सीमाओं के ऊपर अगर किसी भी तरीके की कोई भी गलती करने की कोशिश इन दोनों देशों ने की, तो भारत की तीनों सेनाएं इन दोनों ही देशों को आसानी से धूल चटा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ चीन का मेलजोल चल रहा है और पीओके के इलाके में चीन तमाम तरीके की गतिविधियां कर रहा है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी दे रहा है, रक्षा सौदे भी कर रहा है और चीन पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया करा रहा है, लेकिन उन सब के ऊपर भारत की नज़र है और चीन की जो कोशिश है कि वो सम्मिलित कार्रवाई भारत के खिलाफ कर सकता है, तो भारत की तीनों सेनाएं आपसी सामंजस्य के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तीनों सेनाएं इस पूरे काम के लिए सक्षम भी हैं। जनरल बिपिन रावत ने आगे भी कहा कि किस तरीके से कोरोना ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, लेकिन ये हमारे लिए संतोष की बात है कि हमारे जो सीमाओं पर रक्षा कर रहे भारतीय सेना के सैनिक हैं, या फिर हमारे प्लेन उड़ाने वाले पायलट्स हैं, या फिर भारत की नौसेना के वो जांबाज सैनिक जो कि भारतीय युद्ध पोतों पर तैनात हैं, उनमें से किसी को भी अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा संतोषजनक बात है। और उन्होंने कहा कि भारत की जो तैयारियां हैं वो हर हालत में अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। उसके साथ साथ हम आगे की रणनीतियां भी बढ़ा रहे हैं कि कैसे तीनों सेनाएं साथ साथ मिलकर किसी भी सैन्य ऑपरेशन को तीनों सेनाओं की तरफ से दबाव डालने वाला बनाने की एक कोशिश कर सकते हैं, बनाने की तैयारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से अब तक जो बयान आए हैं उससे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना द्वारा जो पैगोंगसो झील के दक्षिण का इलाका है उस पर कब्जा किया गया है। वहाँ चोटियों पर जहाँ पहले बफर जोन हुआ करता था, किसी भी देश की सेना नहीं हुआ करती थी, अब भारत ने LAC के अपने उस इलाके में अपनी सेना की तैनाती कर दी है। तमाम टैंक्स को लगा दिया गया है, टैंक से लेकर आर्टिलरी, तोपे, मिसाइल, सब कुछ वहाँ तैनात कर दिया गया है। और दूसरी तरफ चीन पहले से इसकी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस मामले में चीन भारत से मात खा चुका है। और भारत ने जब 118 चीनी ऐप्स को बैन किया, उसके बाद भी चीन को बहुत बड़ा झटका लगा था और चीन ने इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी थी। लेकिन जिस तरीके से चीन की कोशिश है कि वो अपने यहाँ के उठते हुए जो उपद्रव या उसे लगता है कि जो विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है भुखमरी की वजह से, आर्थिक जो चोट चीन को पहुंची है उसकी वजह से, वो भारत के साथ में संबंध खराब करना चाहता है, पूरी दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है और साथ ही साथ अपने देश के लोगों का भी ध्यान भटकाना चाहता है, उसको लेकर भारत की रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का ये बयान सीधे तौर पर चीन को एक कड़ी चेतावनी है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी चेतावनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी आज एक बयान जारी किया था और ये कहने की कोशिश की थी कि हम पहले से कहते रहे हैं कि भारत एक विस्तारवादी देश है और चीन के साथ जो तनाव भारत ने उत्पन्न किया है उससे ये पूरी तरीके से साबित हो गया है। पाकिस्तान इस फिराक में है कि अगर भारत की जो चीन के साथ में तनाव है वो आगे बढ़ता है, युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो पाकिस्तान को ये लगता है कि वो भी जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं उनमें अपनी सेना के द्वारा गलतियां कर सकता है या अतिक्रमण की कोशिश कर सकता है, और इसी के लिए भारतीय रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उसको चेताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ये न सोचे कि भारतीय सेना अभी चीन के साथ संघर्ष में
बिजी है, व्यस्त है, तो पाकिस्तान को छूट मिल जाएगी। भारतीय सेना उसी तरीके से पूरी तरह मुस्तैद है एलओसी के ऊपर भी, जैसे वो एलएसी के ऊपर भी मुस्तैद है। एलएसी उस सीमा को कहते हैं जो चीन से मिली हुई है, और एलओसी कहते हैं पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के इलाके में मिली हुई भारतीय सीमा को। तो एलओसी के ऊपर भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली तमाम घुसपैठ या दूसरी इसी तरीके की जो सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं होती है उनका जवाब बार बार दिया जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान मानता नहीं है। और भारत को अच्छी तरीके से पता है कि अगर पाकिस्तान से भारत को पीओके वापस लेना है, गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेना है, तो उसे उसके साथ ही अक्साई लद्दाख भी वापस लेना पड़ेगा। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने पैगोंग सो झील के आसपास अपनी तैनाती, अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना शुरू किया है। आज भारत के रक्षा मंत्री रूस में हैं, वो रूस के दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि एससीओ की जो समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, उसमें वो केवल रूस के रक्षा मंत्री के साथ बात करेंगे, वो किसी भी हालत में चीनी रक्षा मंत्री के साथ बात नहीं करेंगे। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से S-400 नाम का जो मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको जल्दी से जल्दी भारत पहुंचाने के लिए भी बात करेंगे। और इसके लेकर उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन उनकी इस बात को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने की आश्वासन भी देंगे, क्योंकि इसको लेकर रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को जल्दी से जल्दी ये सिस्टम उपलब्ध कराने में लगा हुआ है। और जिस तरीके से चीन ने भी रूस से ये सिस्टम खरीदा था, लेकिन उसके बाद में चीन को S-400 की जो मिसाइलें हैं या जो दूसरी इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई रूस ने पहले ही रोक रखी है, तो इस मामले में पहले से स्पष्ट हो चुका है कि रूस चीन और भारत के बीच में से भारत को चुनना चाहता है। और यही वजह है कि भारत के रक्षा मंत्री ने चीन के साथ तनाव के बीच में रूस का जो दौरा है उसको स्थगित नहीं किया, बल्कि वो वहाँ गए और वो सीधे तौर पर बात कर रहे हैं रूस के अपने जो मित्र हैं उनसे। और साथ ही साथ जो रूस के साथ भारत के रक्षा सौदे पहले से तैयार रहे हो चुके हैं, उनमें जो सप्लाई है वो उसमें डिले हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की और भारत में उन हथियारों के जल्दी से जल्दी पहुँचाने की वकालत भी वापस करेंगे। और इसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर 10 सितंबर को रूस जाएंगे और वो भी रूस के विदेश मंत्री से बात करेंगे, लेकिन चीन के विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इस तरीके से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन अगर शांति के साथ वार्ता करने की भारत की कोशिशों को पहले बेकार कर चुका है, उसे पहले भारत की शर्तें माननी पड़ेंगी। और आज भी जिस तरीके से जो स्थानीय कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, वो भी 5 घंटे की बातचीत में बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा नतीजा नहीं निकला, क्योंकि भारतीय पक्ष ने अपनी बात रख दी है कि चीन ने जो अपनी पोजिशंस बना ली थी, जो कंस्ट्रक्शंस बना लिए थे LAC के आसपास, उनको पहले उसे हटाना पड़ेगा। और भारतीय सेना अभी भी अपने क्षेत्र में है, इसलिए भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, चीन को अपनी सेनाएं हटानी पड़ेगी, अन्यथा बातचीत का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। दूसरी एक और खबर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अपने विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं और उस शैली के साथ साथ उन्होंने एक नया कीर्तिमान, एक नई पहल की थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ भी उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो 21 लाख रुपये उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बेटियों के पढ़ने के लिए दान दिए थे, जो उनकी खुद की बचत में से था। और उसी कड़ी में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो अब तक राशियां दान की है, वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दान की गई राशि से बहुत ज़्यादा है। वो जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने जो पुराने जो गिफ्ट उन्हें 2015 तक मिले थे उसकी नीलामी कराई थी और उस पैसे को उन्होंने दान कर दिया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद में फिर उन्होंने ऐसी एक नीलामी कराई और उसमें भी उन्होंने करोड़ों रुपए दान कर दिए थे, जिसमें करीब 8.5 करोड़ आए थे, पहले 3.5 करोड़ करीब आए थे। और उसके अलावा उन्हें सियोल में एक पुरस्कार मिला था जिसमें 1.30 करोड़ के करीब रुपए मिले थे, उन सभी पैसों को भी उन्होंने ऐसे ही दान कर दिया था। पीएम केयर फंड जब बना था तब भी उन्होंने उसके शुरुआती फंड के तौर पर अपनी बचत में से करीब 2.25 लाख रुपए दिए थे, और ये उनके जो दानशीलता है या उनकी त्याग की भावना है उसको दिखाता है।
सोल पीस प्राइज का जो पूरा पैसा था उन्होंने गंगा मिशन को दे दिया था। उसके अलावा जब वो कुंभ गए थे और कुंभ में उन्होंने जो सफाई कर्मी थे उनके पैर धोए थे, उसके बाद में उन्होंने सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए 21 लाख रुपए अपनी बचत में से जो उनको वेतन के तौर पर मिलता है उसमें से दान किए थे। तो ये सारी वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री को बाकी लोगों से अलग रखती हैं। और जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करते थे वो अपने जो पुरस्कार हैं उन्हें निजी संपत्ति मान लिया करते थे, और एक राष्ट्रपति तो भारत ने ऐसा भी देखा था जो ट्रकों में भरकर तमाम उन गिफ्ट्स को ले गया था जो उसे राष्ट्रपति के तौर पर मिले थे। मैं बात कर रहा हूँ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। तो इस तरीके के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश ने देखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो उनको कोई भी गिफ्ट मिलता है कितना भी कैसा भी हो वो उसको राष्ट्र की संपत्ति मान के उसकी नीलामी कराते हैं और उसका मौका उन लोगों को देते हैं जो आम लोग हैं कि वो भी उनको अपने पास रख सकते हैं। वो ये खुश हो सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ये दूसरे व्यक्ति से मिला है और आज ये हमारे पास है। इसी कड़ी में हमने भी एक नीलामी में उनका एक जो मोमेंटो था जो कांची के जो शंकराचार्य थे कांची पीठ के जैन सरस्वती उन्होंने उन्हें दिया था, वो हम भी नीलामी से खरीद कर लाए थे। उन सभी बचत को मिलाकर प्रधानमंत्री अब तक करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं और अब तक ये नई परंपरा उन्होंने डाली है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की पहल नहीं की थी और जिस तरीके से अभी उनका कार्यकाल है उसमें भी उन्होंने यही निश्चित किया हुआ है कि जो भी पैसा आता है उस सबको वो दान कर देंगे, क्योंकि उनकी खुद की कोई ज़रूरत है नहीं और बाकी सारी चीज़ें वो कहीं भी जाते हैं जिस तरीके से वो किसी से मिलते हैं तो वहाँ भी कई बार देखने को मिलता है कि जब वो पैसा दान करते हैं तो अपनी जेब से खर्च करते हैं और अपनी जेब से ही दान करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहें तो किसी फंड से पैसा दे सकते हैं, वो चाहें तो किसी अन्य निधि से पैसा दे सकते हैं। जैसा कि देखने को मिला था जब गांधी परिवार के निरंतर में चलने वाली मनमोहन की सरकार थी तो राजीव गांधी के नाम पर बने हुए उस राजीव गांधी फाउंडेशन को भारत के बजट में से पैसा दे दिया गया था और बाद में तमाम संस्थाओं से, तमाम सरकारी एजेंसियों से, तमाम भारतीय कंपनियों से और तमाम डिफॉल्टर से उसमें पैसा दिलाया गया था, जिसके ऊपर गांधी परिवार ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। गांधी परिवार की जो निजी संपत्ति के तौर पर जाना जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें सरकार का और देश की जनता का, देश के जो एक्सचेकर है, तो इसका जो खजाना है उसका पैसा उसमें गया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अपने को मिला हुआ, अपनी मेहनत के पैसे को भी, अपने को मिले हुए जो उपहार हैं उनको भी नीलाम कराकर देश हित में लगा देते हैं, जन कल्याण में लगा देते हैं। तो यही वजह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जो लोकप्रियता है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जय हिंद, जय भारत।